तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा नौवीं सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देख लिया तो आप ये समझिएगा कि यहाँ से आपको आसानी से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा नौवीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर दोस्तों आसानी से याद आपको हो जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देख कर जरूर जाएँ ताकि आपको पूरा आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ पाए और इसी के साथ में आप सभी लोग इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद जरूर कर लें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और समझते हैं कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा नौवीं सामाजिक विज्ञान हेतु आपको कितना पढ़ लेना चाहिए और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर आप सभी का आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस और स्टडी मटेरियल तैयार कर लिया गया है। अगर दोस्तों आपको आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो दोस्तों आप यहां पर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगी जिसके ऊपर आप क्लिक करके आसानी से अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा नौवीं सामाजिक विज्ञान विषय का स्टडी मटेरियल जिसमें कि दोस्तों प्रश्न भी होंगे और उत्तर भी होंगे आप यहां से पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड कर सकते हो और अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हमारे द्वारा जो उपलब्ध सामग्री है जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा नौवीं सामाजिक विज्ञान विषय के लिए कितना पढ़ना होगा और इन सब की तैयारी आपको किस आधार पर कर लेनी होगी। सबसे पहले आप लोग यहां से देख सकते हो, इसके लिए पूर्णांक आपका होगा 75 अंकों का और समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे का। आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हो, ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो कि 30 होंगे। आप सभी लोग यहाँ से इनको पढ़ सकते हो और इनको समझ सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका कक्षा नौवीं सामाजिक विज्ञान विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो देखिएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, आपका जो भूगोल विषय है जिसका कि नाम है समकालीन भारत भाग एक, इसमें सबसे पहले जो अध्याय एक दिया गया है जिसका कि नाम है भारत का आकार और स्थिति, इस पार्ट में से आपको कितने प्रश्न पढ़ लेने चाहिए। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो जिसमें कि प्रश्न भी हो और उत्तर भी हो तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, आप उसके ऊपर क्लिक करके आसानी से अपना पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो जिसमें कि दोस्तों आपको प्रश्न उत्तर सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिएगा अब यहाँ पर समझ लेते हैं इसको कि आपको इसकी तैयारी किस आधार पर कर लेनी है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, मानक समय से आप क्या समझते हैं, तो ये पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, इसके उत्तर को आप लोग यहाँ से नोट कर लें। और उसी के अलावा विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए, ये पूरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको याद कर लें। और इसी के अलावा आप आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लोग देख सकते हो, यहाँ से एक ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न ज़्यादा हो सकते हैं मगर आपको वही प्रश्न याद करने हैं जिनके ऊपर मैं मार्क करके आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, आपका जो अध्याय दो है जिसका के नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, तो देखिएगा इस पार्ट में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद कर लेने हैं। तो देखिएगा पार्ट दो जिसका के नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, इस पार्ट में से आपको सबसे पहले इन क्वेश्चन को याद कर लेना है, प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवाल के प्रकार लिखिए, और उसी के अलावा हिमालय पर्वत के अंतर्गत महान हिमालय को समझाइए, और उसी के अलावा बांगर एवं खादर से आप क्या समझते हैं, दक्कन के पठार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लेंगे। और उसी के अलावा ये वाला क्वेश्चन जो कि आप लोग देख पा रहे हो, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान में अंतर लिखिए। और उसी के अलावा आगे आपको क्या करने लेना है, यहाँ से एक तो ये संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खासकर देख लें, ये आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा आपको। और उसी के अलावा पार्ट तीन है जिसका के नाम अफवाह है, तो पार्ट तीन में से आपको क्या कर लेना है दोस्तों, यहाँ से आपको इन इन क्वेश्चन को याद कर लेना है, सिंधु नदी तंत्र को समझाइए, झीलों के महत्व को समझाइए, और ख़ासकर अगर आगे देखा जाए तो यहाँ से आपको क्या करना है, गंगा नदी तंत्र को समझाइए, और उसी के अलावा हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों की तुलना कीजिए। तो आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चन का रिविजन अच्छे प्रकार से कर लेंगे, ये आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और उसी के अलावा यहाँ से आपको भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लें। और उसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में निम्न नदियों को दर्शाइए, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लें और इन नदियों को दर्शाना सीख लें कुछ इस हिसाब से। और उसी के अलावा अगर आगे देखते हैं तो आपका जो अगला पार्ट है जिसका कि नाम क्या है दोस्तों, जलवायु। तो देखिएगा, जलवायु नामक जो पार्ट है आपका, इसमें से आपको क्या पढ़ लेना है, एक तो ये वाला क्वेश्चन, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा बिल्कुल, आप सब लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लें इसको और यहाँ से इसको याद कर लें अच्छी प्रकार से।
और उसी के अलावा जेट स्ट्रीम क्या है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें। एलिनिनो से आप क्या समझते हैं, भारतीय मानसून को एकता का परिचायक क्यों कहा जाता है, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और इनको नोट कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों, आपको भूगोल विषय में केवल पार्ट चार तक का ही पढ़ना है। अब आगे हम देखेंगे इतिहास विषय को, जिस पुस्तक का आपका नाम होगा भारत और समकालीन विश्व। तो देखिएगा दोस्तों, आपकी जो पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व, इसमें सबसे पहले पार्ट दिया गया आपका फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति में से आपको सबसे पहले एक तो ये वाला क्वेश्चन, लुई सोलवे के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। लुई सोलवे के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति देनी थी, जिसके लिए प्रश्न की सरकार की फिजूल खर्ची, राजा का सरकारी व्यय, विलासितापूर्ण जीवन, राज्य की कर व्यवस्था जिम्मेदार थी। और उसी के अलावा जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन कौन थे, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लेंगे। और उसी के अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों ने क्या योगदान दिया, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर लें, यह आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। खासकर इसी के अलावा एक ये वाला क्वेश्चन, ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको वैसे ना समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और अगर दोस्तों ये पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे लिंक दे रखी है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और उसी के अलावा नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। और उसी के अलावा फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन देखें और इसको याद कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और उसी के अलावा आगे के कुछ क्वेश्चन और उनके उत्तर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण लिखिए। और उसी के अलावा अब आगे बढ़ते हैं तो आपका जो अध्याय दो दिया गया है, जिसका कि नाम है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। तो देखिएगा, इस पार्ट में से आपको क्या कर लेना है, एक तो कुलक शब्द वाला, एक रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको ये अच्छे से याद कर लेने हैं। और उसी के अलावा स्टालिन के समूह कार्यक्रम को समझाइए, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। और उसी के अलावा यहाँ से आप लोगों को क्या कर लेना है, सबसे पहले एक ये वाला क्वेश्चन, कौन सा बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से परिवर्तन किए, तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लें। और उसी के अलावा जो आपका अध्याय तीन है, जिसका कि नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, तो इस पार्ट में से आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ, मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम बताइए, धुरी राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम बताइए, तत्कालीन समय में सूदकोर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो ये भी आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे। और उसी के अलावा यहाँ से आप लोग देख सकते हो नाजीवादी विचारधारा क्या थी, समझाइए, यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ से न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1945 क्या था, समझाइए। और उसी के अलावा नाथसी जर्मनी में महिलाएं विशेषकर माताओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए, ये भी आप लोग यहाँ से इसको याद कर लें अच्छे से, ये आपसे परीक्षा में बिल्कुल पूछा जाएगा। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देख लिया तो आपका पेपर में 75 में से 75 अंक आने वाले हैं दोस्तों, पूरे के पूरे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बात से। जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। और उसी के अलावा एक ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जर्मनी के वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे। और उसी के अलावा अब आगे बढ़ते हैं तो आपका आगे के जो पार्ट हैं देखिएगा, इसके अलावा हिटलर, नाथसीवाद और हिटलर का उदय, और इसी के अलावा एक और पार्ट है जिसके भी आपको क्वेश्चन आंसर याद करने पड़ेंगे। तो पार्ट चार, जिसका कि नाम दोस्तों आपका है, क्या नाम है दोस्तों पार्ट चार का, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। तो इस पार्ट में से एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, और उसी के अलावा यहाँ से एक ये वाला क्वेश्चन और इसका उत्तर आप लोग यहाँ से नोट कर लें। चलिएगा दोस्तों, अब इसी के बाद में आपकी अगली पुस्तक देखते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति। देखिएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो सकता है, मगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देख लिया तो आपको दोस्तों कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रश्न नंबर एक से लेके 23 तक के सारे क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखें। देखिएगा, लोकतांत्रिक राजनीति में सबसे पहले अध्याय एक, जिसका कि नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। सबसे पहले इसमें से लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए, लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के बीच स्पष्ट अंतर कीजिए, ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ से। और उसके अलावा यहाँ से आपको एक ये वाला क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क लिखिए। और उसी के अलावा आगे देखा जाए तो यहाँ से आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन, लोकतंत्र ही क्यों, अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। और उसी के अलावा आगे देखा जाए तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, लोकतंत्र की विशेषताएं, इसको आपको याद कर लेना है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। और उसी के अलावा पार्ट दो याद कर लेना आपको यहाँ से, जिसका कि नाम है संविधान निर्माण। इस पार्ट में से आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं ये,
एक वाक्य में उत्तर वाले, और उसी के अलावा यहाँ से आपको खासकर एक तो ये वाले, दक्षिण अफ्रीका में गुलामों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, नेल्सन मंडेला को कब गिरफ्तार किया गया और किस जेल एवं द्वीप में रखा गया, ये वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे। और उसी के अलावा पार्ट तीन जो है आपका, जिसका कि नाम है चुनावी राजनीति, तो चुनावी राजनीति वाले पार्ट में से आपको खासकर इन क्वेश्चन को याद कर लेना चाहिए, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों ही क्वेश्चन का रिविज़न आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और उसी के अलावा यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लें, चुनावों की ज़रूरत क्यों, वर्णन कीजिए। और उसी के अलावा चुनाव आयोग किसे कहते हैं, भारत के चुनाव आयोग के कार्य अधिकार लिखिए। तो आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। और उसी के अलावा आगे आपको क्या कर लेना है, चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चन का रिवीजन जरूर अच्छे से कर लें। दोस्तों इसी के अलावा अब आगे बढ़ते हैं, और आपका जो अर्थशास्त्र विषय है जिसमें कि आपका पार्ट एक दिया गया है, पालमपुर गांव की कहानी, तो इसमें से सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक तो ये वाला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये जो कि यहाँ पर दिया गया है। और उसी के अलावा आपको हरित क्रांति की मुख्य विशेषता है, ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस और उनके उत्तर। तो यहाँ से अध्याय दो दिया गया है, संसाधन के रूप में लोग, तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, यहाँ से एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, फर्स्ट नंबर पे जो दे रखा है, और सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लें, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर। और उसी के अलावा आगे देखते हैं, तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों होती है, तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग रिवीजन कर लें। और उसी के अलावा भारत में मानव पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होने के क्या कारण हैं, और उसी के अलावा मानव पूंजी किसे कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत बताइए। और उसी के अलावा पार्ट तीन दिया गया है जिसका कि नाम है निर्धनता एक चुनौती। तो देखिएगा इस पार्ट में से आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, निर्धनता का क्या अर्थ होता है, भारत में निर्धनता के तीन कारण लिखिए। और उसी के अलावा पार्ट दो जिसका कि नाम क्या है, भारत में निर्धनता उन्मूलन किससे एक कार्यक्रम को समझाइए। और उसके अलावा भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की असफलताएँ लिखिए और निर्धनता दूर करने के उपाय बताइए। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे और इनको याद कर लेंगे, ये आपसे परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाएंगे। और उसी के अलावा यहाँ से आपको एक ये वाला क्वेश्चन भी याद कर लेना है, तो आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लें। और उसी के अलावा अब आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों आगे से आपको यहाँ से एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला भी आपको याद कर लेना है जो कि आपके अर्थशास्त्र के पार्ट चार के हैं, जिसका कि नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमारे द्वारा आप सभी को पूरा का पूरा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी को लेकर आपका प्रश्न नंबर एक से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न और उनके उत्तर बता दिए गए हैं, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लें। दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।